जीप खान पठान। तो आपको क्या बोलना चाहिए आप रोड के बारे में? ये रोड के बारे में, रोड इसी कारण की वजह से जो तो हमने अजंता न्यूज़ वाले हमारे आरिफ खान को यहाँ पर बुलाया और बोला कि भाई साहब जो तो ये रोड की दिशा के बारे में थोड़ा सा कुछ जो तो शासन को आप बताओ कि यहाँ पर कैसी कैसी जो तो रोड की स्थिति है और इन्होंने डायवर्शन कैसा निकाला है। उसी हिसाब से हमने जो तो अच्छा पानी का है ये पानी अजंता की पाइपलाइन का पानी है। और कौन सी पाइपलाइन है? अजंता की जो तो गांव की पाइपलाइन है। तो इसमें जो पाइपलाइन फूट गई तो उसका क्या बोलना चाहिए आप? वो अधिकारी का बोलना है रोड वाले के, मैंने पूरा सामान जो तो ग्राम सेवक को दिला के दिया है पाइप अच्छा वगैरह, और वो ग्राम सेवक का काम है काम करने का। अच्छा हाँ, उसके लीकेज के कारण कम से कम जो तो अभी तक यहाँ पे 100 से 150 बाइक वाले जो तो गिर चुके स्लिप हो चुके। उसके आपको अगर हमसे वीडियो चाहिए तो वीडियो पर है हमारे पास, और आपको अगर जो तो फोटो चाहिए तो फोटो भी है। अच्छा, तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है लोगों को। अच्छा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो उनके सामने भी देखो कितनी कीचड़ है, गाड़ी खड़े रहने का धंधा तो पूरा लॉस हो गया महाराष्ट्र का। तो आप ये इसमें मुझे भाई को काफ़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि वहाँ भी कीचड़ है, गैरेज है उनकी खुद की गैरेज है, उस तरफ से भी गाड़ी आ गई। उस तरफ से बस आ रही है, तो ये देख कर आप कितनी तकलीफ के काम है, इतनी लापरवाही है। जाने के लिए रास्ता नहीं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए यहाँ। बोलो ना तुम क्या बोलना चाहते हो? ये तो पानी है, तालाब का पानी तुम्हें वहाँ है, जो तालाब की पाइपलाइन का पाइपलाइन फूटे भी है। ये तालाब का पानी है, उसके अंदर घाटे की हालत क्या होंगी? वहाँ पर फूट गया, क्या करेंगे आदमी? आप बोल सकते भाई क्या बोलना चाहते हैं? वाले क्या बोलिए आप? बोलो उसको, बोलना नहीं बनाते आएंगे तो रोड बनाना छोड़ दे, बोलना बंद कर, बोलना काम। अच्छा ठीक है। अच्छा, काफ़ी ट्रैफिक जाम रहा है यहाँ। ये जाने के लिए गड्ढा कितना बड़ा है ये देखिए आप, जो गाड़ी अटक गई नीचे लग रही है। ये ट्रैफिक देखिए, काफ़ी लोगों को सफ़र करने के लिए काफ़ी दिक्कत आ रही है इसमें। ऐसा काफ़ी लोगों को सफ़र करने के लिए जा रही है नीचे एक गड्ढों में। ये जरा से गड्ढों की वजह से कितनी प्रॉब्लम आ रही है। तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ये क्या है, ये तमाशा है? रोड बना रहे का मजाक कर रहे? ये डंपर है जो रोड वाले का काम चालू है। रॉन्ग साइड चढ़ी बस, पर रेती भर है डंपर। ये देखिए, तो हमने बताया काफी लोगों को दिक्कत जा रही है इसमें सफर करने के लिए, और गाड़ी वालों को बहुत ही तकलीफ हो रही है। हमारे मुजीब भाई, मुजीब खान पठान। तो आपको क्या बोलना चाहिए आप रोड के बारे में? ये रोड के बारे में, रोड के अधिकारी जो है उनको कम से कम जो है तो
20 से 25 टाइम जो है तो फ़ोन लगा चुका हूँ। वो हर फ़ोन में जो पहले तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया, उसके बाद ने फ़ोन रिसीव किया तो ये बता रहे हैं आज भेजते हैं आदमी को, कल भेजते हैं, परसों भेजते हैं। यहाँ पर ऐसी दिक्कत हो रही है, सुबह से शाम तक कम से कम 20 से 25 बाइक वाले जो है तो ये कीचड़ के कारण स्लिप होकर और गिर रहे हैं, और हम लोग को भी शर्म आ रही है कि हम लोग उनको कब तक उठाएंगे। इस रोड की जो है तो दिशा ऐसी हो गई है पानी के कारण, उनको बता रहे हैं तो बताते ये अधिकारी को फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, दूसरे अधिकारी को फ़ोन करो, प्लस उसको फ़ोन किए तो फ़ोन रिसीव नहीं करता, जिसने फ़ोन रिसीव किया तो वो बताता है कि मैं कल भेजता हूँ आदमी को, उसका कल 4-5 रोज़ नहीं आता है। इसी कारण की वजह से जो है तो हमने अजंता न्यूज़ वाले हमारे आरिफ खान को यहाँ पर बुलाया और बोला कि भाई साहब जो तो ये रोड की दिशा के बारे में थोड़ा सा कुछ जो तो शासन को आप बताओ कि यहाँ पर कैसी कैसी जो तो रोड की स्थिति है और इन्होंने डाइवर्शन कैसा निकाला है। आप ये देखिए कितनी तकलीफ हो रही है, ये इसका तालाब का पानी है और पाइप पूरा फूट गया है यहाँ। तो आप गाड़ी को देखिए, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को सफ़र करने के लिए और काफ़ी मुश्किल। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत है इसमें, रॉन्ग साइड भी गाड़ी चढ़ी है, वो देखते आप पानी की दिक्कत की वजह से कोई दिक्कत हो तो कितनी दिक्कत है। एक्सीडेंट होने का खतरा है यहाँ, काफी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इस तरफ से भी बस देखिए और उस तरफ से भी गाड़ी ट्रैफिक देखिए। देखिए कितनी प्रॉब्लम आ रही, रॉन्ग साइड गाड़ी चढ़ी, पूरी गाड़ी रॉन्ग साइड चढ़ी और स्पीड भी देखिए, उधर से भी ट्रक आ। ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसमें से पानी जाएगा, ये बुलाना नागपुर डायरेक्ट, इस रूट से नागपुर भी जा सकते हैं और जिसको भी अजंता के जितने भी सेब खरीदने वाले आ सकते हैं। ये देख लीजिए, एक पुरस नीचे रोड चल गया जो कि 10 फीट नीचे।